Imran Nafees Siddiqui, or Akka, as most of us fondly know him as, is a performing and visual artist, as well as a social activist, who uses the power of art for his expression. Be it theatre, dance, film, visual arts, performance or photography. With an education background in social sciences, Imran's association with a variety of projects is based on the basic premise of training and development through creativity. He has pioneered platforms for expression through research, training, theatre, workshops, exhibitions and books by virtue of which he has channelized the talent and the need to express of many people, including women and children in underdeveloped areas of the country. Besides being a gender trainer and researcher to many writers, directors and actors for his theatre group Dugdugi, Imran offers his skills as a creative counsellor and trainer to individuals, groups and organisations. He also teaches theatre and movement. तो आप कैसे हैं इन इन दिनों में ये COVID-19 के वक्त में आप ये क्या हालात हैं? मैं अच्छा हूँ. मैं मतलब ये कि हाँ मैं रोजगार खत्म हो गया लेकिन ये कि वो तो अमूमन पहले भी खत्म होता रहता है ना. मतलब आर्ट के साथ आप जब जुड़े हुए होते हैं तो आपका कोई कांस्टेंट रोजगार नहीं होता. आपकी जॉब्स, आपकी इनकम्स कभी ऊपर जाती हैं, कभी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं. तो इट्स लाइक पार्ट ऑफ यू. तो आप कोविड के लिए पहले से तैयार होते हैं. हाँ तो वो चीज है. बट लाइक आई थिंक आई एम गुड, आई एम ब्लेस्ड आल्सो विद सो मच अराउंड मी कि इट्स ग्रेट एंड आई हैव माय आउटलेट्स. या आई थिंक आई कनेक्ट टू दैट माइसेल्फ. There's so much that, you know, suddenly I think, I think these are important things, but kabhi kabar aapko waqt nahi milta ki aap unke liye shukr kar sakein ya sochein, oh, that's quite amazing. In fact, now I've gotten so used to this comfort of being in the house ki ab jab lockdown hamare yahan khatam ho gaya hai aur Italy mein hame ye ijazat mil gayi hai ki hum bahar पैदल वॉक करने जा सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं. तो अब दिल ही नहीं चाहता क्योंकि एक अजीब सा एक डर है कि अब बाहर जाऊं कैसे. क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है घर पे रहने की. घर पे अपनी मैंने डांस की जिंदगी भी बना ली है किसी ना किसी तरीके से. सो क्वाइट स्ट्रेंज. आई थिंक दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग कि वो जो हमारा कंफर्ट होता है ना, लाइक के अपने कंफर्ट को तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है. और अपने लिए किसी चीज को कंफर्टेबल बनाना भी मुश्किल होता है. तो आप पहले एक जिंदगी में अपने आप को ढालते हैं फिर उससे निकालना मुश्किल. तो ये एक कांस्टेंट वो है स्ट्रगल. बिल्कुल. और फिर कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए जो उनका कंफर्ट का स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है. तो वो बहुत आसानी से जिसको हम कहते हैं ना हर माहौल में हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं. तो जब मूवमेंट की हम बात करते हैं या मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, मूवमेंट इतनी एक नेचुरल एक चीज है. मतलब बच्चा पैदा होता है और वो बस अपने हाथ पांव चलाना चाहता है और किसी ना किसी तरीके से. लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट होती जाती है वो सारी चीज, है ना. क्योंकि शायद वो फ्रीडम सोसाइटी हमें नहीं देती या फैमिलीज नहीं देती. और हमारी जो मूवमेंट है बॉडी की वो एक बहुत मखसूस उसमें चली जाती है कि आपने खाना पकाया, आपने ये एक चीज उठा ली, कुछ किया, लैपटॉप पे बैठे, फोन देखा. और उस तरीके से आपको नहीं लगता कि हमारा दिमाग भी काफी बंद होता जाता है क्योंकि बॉडी में वो नॉलेज कम हो जाती है या मूवमेंट लैंग्वेज इतनी कम हो जाती है? भाई वो तो मतलब देयर आर एक्चुअली साइंटिफिक रिपोर्ट्स अवेलेबल व्हिच कैन इजीली से कि आपका वो जो दिमाग का लेफ्ट राइट हिस्सा होता है और बहुत सारे कुछ जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका एक तरफ वाला माइंड का हिस्सा ज्यादा काम करता है, नॉन क्रिएटिव लोगों का दूसरी तरफ वाला ज्यादा ऐसा काम करता है. एंड द बैलेंस ऑफ द माइंड इज इम्पोर्टेंट. और योर बॉडी इज अ वेसल ना. आप
अच्छा मुझे मुझे बहुत मेरे लिए बहुत मजे की बात यह है कि मूवमेंट इज नॉट ओनली जस्ट मूवमेंट, ओके, मूवमेंट इज ऑल्सो स्टिलनेस ना, मतलब वो जो रुकना है वो कितना अहम है मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मूवमेंट ही तो कुछ नहीं है, वो तो बल्कि एक्चुअली नल हो जाएगी ना चीज, वो कहीं रुकेगी कुछ, उसकी तब्दीली जो है, वो रुकना जो है वो उसको उस मूवमेंट को लेके आ रही है, और इसीलिए इंसानी अगर हम अपने जिस्म के अगर ऊपर वो देखें कि उसमें वो रुकना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और हाँ हम actually because we are living in a world and the world is actually jaisi hum paida nahi hote balki hamare conception se bhi pehle sadiyon se bata diya gaya ki humne kya karna hai, theek hai, aur wo aaj nahi hua, ye matlab ye bahut gambhir system hai jo control karne ke liye ban gaye hain aur wo humse badh gaye hain, these systems are larger than us. इनिशियली हम लोगों ने बनाए और फिर अब इतने बड़े हो गए कि वो हमको कंट्रोल करते हैं. उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि वो मूवमेंट होनी कैसे. अब उसमें कोई तब्दीली लेके आना एक बहुत बड़ा काम होता है. कि मैं एक लड़की अगर हूं तो मैंने क्योंकि बता दिया गया है. और ये किसी एक कल्चर की बात नहीं, ये बड़ा यूनिवर्सली बताया गया है हाउ द फीमेल बॉडी नीड टू मूव. और अगर मेल बॉडी है तो उसने यू मूव नहीं करना, ठीक है, तो ये बॉडीज के साथ का तो बड़ा, और ये इट्स नॉट टुडे, इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम सेंचुरीज, आवर शेप, बट लाइक थ्रू सेंचुरीज देन वी कैन आल्सो सी द रेजिस्टेंस अबाउट इट, देयर मूवमेंट्स अबाउट इट व्हिच कीप ऑन कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग इट, चेंजिंग इट, मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, और वो इतना कुछ जबरदस्त पे निकल के आता है. तो वो सब कुछ है. तो व्हाट इज मूवमेंट देन, आई डोंट नो, इट्स लाइक के एक चीज का कहीं से कहीं तक का सफर है. देयर इज अ जर्नी व्हिच इज एक्चुअली अ मूवमेंट, एंड दैट जर्नी कुड बी इंस्पायर्ड बाय समथिंग, वो जर्नी कुड बी लेड थ्रू जस्ट अ नीड बेस, सर्वाइवल की बुनियाद हो सकती है वो, कि मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकला था लेकिन हालात ने, अब मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आई विल मूव. और सो दिस लाइक मतलब आई थिंक दिस कुड लाइक इजीली उसको हम किसी भी सांचे में, किसी भी ढांचे में, किसी भी अंदाज में रख के देख सकते हैं, चाहे वो डांस की मूवमेंट हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक पूरी मूवमेंट होती है उसमें, बिकॉज आपकी बॉडी है, चाहे वो विजुअल आर्ट्स में एक मूवमेंट है, एक स्टिल फोटोग्राफ में आप उसकी जो वोकैबुलरी है उसमें आप देखते हैं कि इफ देयर इज अ मूवमेंट, लाइक आप विजुअली आपको कोई मूवमेंट नजर आती है उसमें, इवन इन अ स्टिल पिक्चर और पेंटिंग, एंड दैट इज एक्चुअली एस्थेटिकली अ गुड पिक्चर देन. ठीक है, इफ अ पिक्चर डजंट लेट यू शो विजुअली, मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं दिखा सकती, तो वो बड़ा वो कहते हैं अच्छा डेड है, कुछ मजा नहीं आया. तो मूवमेंट इज वेरी इंटीग्रल, वेरी बहुत अहम है. अब वो मूवमेंट को फिर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से, क्लासिकल फॉर्म्स वालों ने अपना एक रेजिमेंटेड डेफिनेशन दी है उसको, और सख्ती के साथ दी है, और वो बहुत अहम है.
और फिर ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी इतना अरसे का काम है। बिल्कुल, तो आप एकदम से ये नहीं कह सकते उठा के कि अच्छा जी बकवास है। बिल्कुल, मतलब वो हाँ, आप उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं, उसी में से फिर उसके कॉन्टेम्प्रेरी वर्जन निकलते हैं, वो नई इन्फॉर्मेशन फीड इन होती होती है, लेकिन वो चीज है। और फिर बहुत सारा मतलब मूवमेंट अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखें, जो बॉडीली मूवमेंट की बात है, वो फिर आपको वैसे भी नजर आती है, बड़ी कमाल की होती है। अगर किसी दिन आप किसी एक गली में, अंदरूनी शहर की एक गली में जाके बैठ जाएं, जहां से लोगों ने आना जाना हो, एक गली बीच में भी आ रही हो जहां से कोई क्रॉसिंग, आप से बैठ जाएं एक दो घंटा, आप से ऑब्जर्व करें, आप एक पूरी परफॉर्मेंस चल रही हो। किस तरह एक बॉडी आते हुए रुकती है, नहीं रुकती, कुछ बॉडी बहुत तेजी से जाती हैं, हर कोई अपनी पूरी जिंदगी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उसका रुकना, उसका पलटना, उसकी बॉडी कैसे जा रही है, कैसे, वो सब कुछ बता रही होती है ना। तो ऐसे तो बहुत कुछ है। लेकिन जब हम एक्सप्लोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने थिएटर के थ्रू या अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, आप अगर अपनी बॉडी के साथ एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज इट टू बी ह्यूमन फॉर एग्जांपल, तो आप शायद अपनी अपनी लिमिटेशंस को के बियॉन्ड जा सकें। लेकिन अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, तो अक्सर मेरा ख्याल है लोग अगर सोचते हैं व्हाट इट इज टू बी ह्यूमन, तो हम दोबारा अपने आप को उन्हीं बॉक्सेस में डाल देते हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ trying to explore through movement. हम अगर आप ये जैसे कह रहे हैं, अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो किसी भी उससे बैठ सकता है ना, या किसी भी, you know, because he is being himself in that moment. But when we come to exploring that actually through our body, even if that's exploring stillness, and I'm so glad कि आपने ये point डाला कि movement is about about everything within, from one movement to a next, there's a lot of stillness, and in life also we need to be still sometimes, rukna bhi zaruri hota hai. But coming back to my question, what is it to be human when you explore that with your body, and how can you explore being human through your body? So exploration of movement se pehle, if I just actually try to think loudly, movement. Now if it is a political movement or if it is a bodily movement, there's a starting point to it and there's a reaching point. Ek point starting hai uska aur ek kisi jagah pe usne pahunchna hai. Chahe wo khawateen ki movement hai, feminist movement hai, peasants movement hai, labor's movement. So they हर उसके बहुत elements हैं कि there is a motivation actually over here. That motivation will allow define control, ठीक है, और facilitate to move to reach here. And during this and this is the journey actually. So if it is like I want to show a wave, that's my motivation, and my hand is going like this. Okay, so it has a starting point and it has a reaching point, and there's a journey here, and in this journey, so my wave could be like this also. And that could define something. My wave could be an expression of me also, and then this whole journey will, it's the same movement, it's a wave which we are forming, but the journey is so very important that motivation will define actually ki wo kya cheez hai. Theek hai, ab now this whole movement agar hum isi example ke sath le jaake, like to explore, so my wave will be like okay, so maybe the other person cannot even understand that, kyunki wo jo motivation hai
वो जो बैकग्राउंड है उसका, वहां पे कोई रिलेशन नहीं मौजूद. टू एक्सप्लोर देयर इज अ इंपॉर्टेंस टू हैव अ रिलेशनशिप ओवर देयर. या आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट यू कांट एक्सप्लोर एनीथिंग. No, there has to be meaning to it. Yeah. So, like any, it could be anything. That's what I'm saying. Like, it's a very similar for me, a political movement or a movement of a body. If someone will come and teach me, like, you have to do this, so I need to find a relation actually. Yeah. Why okay? doing this? Definitely. Am I just want to learn it for the heck of it? Yes, I could learn it, but then it would be my performance would be more meaningless. Because I don't have my meaning in it. Maybe that's like for the heck of it could becoming my meaning. Yeah. अगर मैं अपने उस for the heck of it को भी इतना सच्चाई के साथ अगर जुड़ गया उसके साथ, तो it will give a meaning there. ठीक है? कभी आपकी बिल्कुल बकवास चीज कभी, लेकिन आपकी वो बकवास में एक सच्चाई होनी चाहिए कि ये बकवास है. ठीक है? तो वो फिर हाँ, I'm presenting a बकवास. वो बात हो सकती है. सो लाइक इन टर्म्स ऑफ ओके फिर डांस मूवमेंट लाइक आई कांट मूव द वे योर बॉडी मूव और यू कांट मूव द वे माय बॉडी मूव. एग्जैक्टली. सो बिकॉज़ वी डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडीज हियर. एंड दैट्स लाइक और फिर मुझे एक चीज होती है, फिर वो बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स में क्योंकि वो इतनी सख्ती आ गई है उसमें कि वो बहुत सारे लोगों को रद्द कर देता. ठीक है? या तो आप, या तो फिर आपने अपनी बॉडी को इतना मानना होता है कि आप वो बने. बिल्कुल. और तो वहां पे एक सवालिया निशान है मेरे लिए कि वो क्या है. आई एम नॉट रिजेक्टिंग बट आई हैव अ क्वेश्चन मार्क. So, like, how can I explore myself to be like Shah Rukh Khan? Okay? So, like, this expression is really Shah Rukh Khan. Like, puri duniya mein, like, especially like the South Asia. And this is like so true of Shah Rukh Khan also. If you know Shah Rukh Khan, you know this is Shah Rukh Khan. Yeah. Because his posture, gesture, his movement hai. So, वो है. अब ये मैं हूं ही नहीं, तो मैं जब भी ये करूंगा मैं शाहरुख खान नहीं कहूंगा ना. ठीक है? और ना वो मुझ पे जचेगा, ना वो मुझ पे अच्छा होगा. सो लाइक सो आई हैव टू फाइंड दैट लाइक व्हाट दैट मूवमेंट इज सेइंग सम फॉर समवन, इज इट रियली ट्रू टू माय बॉडी. एंड आई थिंक यहाँ पे शायद लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर कोई जैसे क्लासिकल फॉर्म भी है तो उसमें के मुद्रे हैं और चीजें, आप उसके एलिमेंट सीख लेते हैं और आपके उन एलिमेंट्स के साथ सच्चाई होनी चाहिए ना. फिर बिल्कुल ये है कि अच्छा वो मेरा नहीं है भाई. ठीक है? मैं मतलब ये देख के ये करना मेरा नहीं है. ठीक है? तो मतलब मेरा सिर्फ शायद ये आएगा कि ये देख के और रुक जाना होगा और फिर एकदम से पलटना होगा, तो ये हो सकता है ना. तो अगर हम उन चीजों को बहुत छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दें, क्योंकि बाज और अमूमन हम लोग एक तो वो जो होते हैं ना कॉपी करना, छाप देना, कॉपी करना इज नॉट टू एक्सप्लोर. एब्सोल्युटली. ठीक है? और हम लोग अमूमन एक्सप्लोर को कॉपी करने के साथ जोड़ते हैं. बिल्कुल. आई वॉन्ट टू पुट अ पॉइंट हियर कि हमारे यहाँ खास तौर पे मैंने नोट किया कि कभी कभार एज आर्टिस्ट ऑल्सो हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि अच्छा भाई लोगों को बस बता दो, बस वो कर लेंगे. यू नो, हमने खुद ही उनको ये उस चीज में डाला है कि डोंट गो बियॉन्ड दैट, डोंट अलाउ देम टू एक्सप्लोर हु दे, व्हाट्स देयर यूनिकनेस ऑफ देयर बॉडी, ऑफ देयर स्किन, ऑफ देयर रिदम. वही बात है ना, हम सब यूनिक हैं अपने उसमें. लेकिन जब उनको इन चीजों में डाल देते हैं तो फिर कितनी दफा मेरी कोई वर्कशॉप्स होती हैं, कोई इस तरह स्टूडेंट्स आते हैं, आई फाइंड देम टू नॉट वांट टू थिंक एंड यू नो गेट फ्रस्ट्रेटेड इन माय वर्कशॉप्स बिकॉज़ आई एम नॉट टेलिंग देम एनीथिंग. इट्स ऑलमोस्ट देम, इट्स लाइक आई एम नॉट टेलिंग देम, नॉट गिविंग देम एनीथिंग एंड
यू हैव टू लिटरली शो देम कि भाई ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 अब हाउ कैन आई गेट टू दैट पॉइंट इफ यू डोंट नो हु यू आर हु योर बॉडी इज इट्स अगेन डिवेलपिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन योर बॉडी योर माइंड योर हार्ट ये एक ये भी तो चीज है ना कि इन सबको हम अलग रख देते हैं कि भाई बॉडी को सिर्फ फिट होना है सो ओके यू डू योर रनिंग यू डू योर कार्डियो यू डू ऑल ऑफ दैट फिट हो जाएगी डांस सीखना है तो बस जस्ट गिव मी सम स्टेप्स एंड आई एम गोइंग टू डू दोस स्टेप्स यू नो एंड दैट्स अगेन इन क्लासिकल ऑल्सो आई थिंक दैट्स वन रीजन वाई आई स्टार्टेड टू फील अ लिटल यू नो स्टक मे बी बिकॉज मे बी दैट्स बिकॉज आई डिडंट एक्सप्लोर फर्दर But I wanted another vocabulary. I wanted to understand what my vocabulary was, what I was all about, you know. And maybe of course with my exploration, मैंने काफी जो मुझे जो सिखाया गया है जो मेरी training थी मैं उन चीजों के साथ चली obviously because वो एक मुझे training. But with time now, I want to leave those things behind as much as I can. Not to throw them away, to keep them in my library, take them when I want them, but explore more than that. You know, what body can really do that, you know, that I haven't really, you know what I mean? So, yeah. If you see also, jab tumne ye baat ki, they're stuck. Yeah. So, movement ki to baad mein baat hoti hai na. Hmm. Theek hai? I think we got stuck in our life. Exactly. And that reflects in our work. And if my work is about bodily movement, if it is in dance, so actually creative forms mein aapki zindagi bahut easily translate ho jati hai. Aapki kaam mein bhi translate ho jati hai. Now, if I see now with a lot of my work, piche se, so I can see patterns. I can easily see. उस वक्त मुझे नहीं पता होता ये क्या किया है लेकिन आई कैन सी अच्छा होगा ये हो रहा था तो ये हो रहा था ये हो रहा था तो ये हो रहा था वो बड़ा वो है तो हम अपनी जिंदगी में भी तो बार बार फंसते हैं ना रोजाना फंस जाते हैं कहीं फंसे हुए होते हैं जकड़े हुए होते हैं और ये सबके साथ है इट्स नॉट लाइक के अच्छे लोग कोई होते हैं बुरे लोग कोई होते हैं आई थिंक लाइक ये बहुत और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अभी which doesn't allow us to be free we are not free beings ठीक है there is so much of everything के कैसे बैठना से लेके कैसे बोलना क्या होना क्या नहीं होना और दरअसल उन सब चीजों के साथ हमारा रिश्ता नहीं है मतलब अगर ये भी सोच लूं एक लम्हे के लिए कि मैं कंप्लीट फ्री शख्स हूं तो फिर भी कुछ तो है ना जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता होगा वो दरख्त के साथ भी कोई रिश्ता तो बनेगा पहले ठीक है अब क्योंकि बहुत सारे वो जो आइडियोलॉजिस्ट पुरानी चली आ रही है उनके साथ क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो हमें उनके साथ डिफाइन हुई भी चीजों से फिर एक तकरार भी हो ठीक है हाँ मतलब अगर मैं एक डांसर है ठीक है जिसने कोई क्लासिकल फॉर्म सीखी हुई है और उससे एक्सप्रेशन ये चले तो है भाई ये क्या हो गया एकदम से नहीं समझा जा सकता ये कि मतलब मैं कथक परफॉर्म करने के लिए भरतनाट्यम परफॉर्म करने के लिए ओडिसी परफॉर्म करने के लिए उस पोस्टर में खड़ा हूं और मैं जबान चढ़ाना शुरू कर दू इम्पॉसिबल ठीक है कि वो चीज हो नहीं सकती अब फिर बाज बार इसका मतलब ये है कि वो जो मेरी अपनी अंदर एक तंगी चल रही होती है ना कि यार मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्या वो मैं क्या है अब वो जैसा बात है मेरी वोकैबुलरी चेंज आई नीड टू कनेक्ट इट टू माय सेल्फ बाज का तो वी एक्चुअली डू अ लॉट इन रिएक्शन सो इज इट ओनली कमिंग एज अ रिएक्शन उसकी एक क्लैरिटी अपनी बनाने की जरूरत है और सिर्फ नहीं मेरे ख्याल में ये कोई चीज है जो कि मेरा जस्म मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करूँ तो उस मेरे ख्याल में वहां पे हमारी क्लैरिटी में कंफ्यूजन बहुत होती है समटाइम्स इट्स जस्ट आउट ऑफ रिएक्शन वी आर डूइंग दैट या
we have been told by our staff to do this and we don't want to do that. वो एक अथॉरिटी के साथ चैलेंज होता है जो कि हर इंसान में होता है, ठीक है, अलग अलग वजूहात होती है उस चीज की. तो इन टर्म्स ऑफ न्यू वोकैबुलरी, पहली बात तो ये कि दैट नीड ऑफ न्यू वोकैबुलरी, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, इज इट कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ सम रिएक्शन, और सब जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर उसकी अवेयरनेस होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आप समझ सकते हैं ना. मतलब मैं दरअसल एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो इसकी वजह से आई वॉन्ट टू शो ऑल ऑफ माई एंगर टूवर्ड्स माई उस्ताद, ठीक है. अब नाउ लाइक दिस इज लाइक अ डेयरिंग थॉट, एनी पर्सन एनी आर्टिस्ट टू डू समथिंग जस्ट टू चैलेंज, जस्ट टू टेल लाइक शट अप टू माय टीचर or something like this doesn't exist. Pehli baat to is thought ko process karne ki zarurat hai na, ki where is it coming from. There's so much of process and process of life. To phasna to bahut hua hai na, wo kya waqai mera ustad tha jiske upar mera gussa tha, theek hai, ya wo gussa koi aur cheez ka tha jo maine apne ustad ki taraf channelize kiya. ये भी सवाल, तो there are so many layers of it, and you keep actually going back to always whenever the question arises, you keep going back to see where is it actually. आपको पता चलता है अच्छा ये मैं इस layer पे आके मैंने इसको हल किया अपने सवाल को, so I got this also. उसका output भी कुछ ना कुछ होता है. फिर इट कम्स अगेन, देन यू अगेन आप वहीं पहुंचते बट एक लेवल और पीछे चले जाते, फिर एक लेवल और पीछे चले, फिर कभी. तो ऑल दीस आई थिंक दीस आर आल्सो वेरी एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, एंड इट्स वेरी कांस्टेंट. जिस तरह एक वो चींटी होती है ना, वो अपना कुछ लेके जब जा रही होती है और उससे तो पूरा नहीं हो पाता, अगर वो ऊपर की तरफ कहीं जा रही है तो वो दोबारा ऊपर जाती है, आप उसको नीचे डाल दें वो फिर दोबारा ऊपर जाने जाएगी. कीप ऑन डूइंग इट, मतलब जो करना है सो करना है वाली बात ना, तो आप कर रहे हैं. सो हाउ कैन आई एंड व्हाई डू आई नीड टू हैव मोर वोकैबुलरी फॉर माय मूवमेंट और डांस, व्हाई माय ओनली वे वेरी बेसिक लाइक हाउ टू लुक. और बार बार हम मेरे ख्याल में आई थिंक देयर इज आल्सो अ लॉट अबाउट आवर ओन एज, लाइक द फिजिकल एज ऑफ आवरसेल्व्स, बिकॉज़ एज डज मैटर, एज डज मैटर बिकॉज़ ऑल द एज इज कैरिंग एक्चुअली योर लिविंग एक्सपीरियंस. तो ये वाली बात नहीं है कि अच्छा जो मतलब ज्यादा बड़ी उम्र का लोग होंगे तो वो कोई ज्यादा अच्छे, तो इट्स नॉट बाइनरी इन दैट वे. But like your age, your experience. So it's वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं ये age does matter. It is actually your lived experience. और हम अमूमन वो पहले होता है ना, पहले हमने किताब खोली है तो हमने बस पढ़ डाली, तो हमें उस पूरे नॉवेल का, उस पूरे कहानी का मोटी मोटी सारी बातें पता होती है, उसका मजा पता होता है, ये सब कुछ हो गया. हम दोबारा वो पढ़ते हैं तो उसकी कोई हम देखते हैं अच्छा इसकी पिक्चराइजेशन इसमें बढ़िया आला है, ठीक है. हम दोबारा उस किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है नहीं इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े खूबसूरत किए हैं और उसके लिखने के अंदाज में भी कुछ है. सो वी कैन एंड देन वी कम बैक अगेन टू दैट बुक एंड वी फाइंड लाइक कि ओ इसमें तो ये भी था, कभी नजर में ही नहीं आया. देयर इज अ अंडरटोन स्टोरी इज गोइंग ऑन. और फिर दोबारा आते हैं हम कहते हैं नहीं दिस बुक इज मीनिंगलेस, बट वी कम बैक टू सेम बुक एंड वी फाइंड समथिंग मोर इन इट. एब्सोल्युटली, दिस इज लाइफ. और आप और इसी तरीके से अपनी जिंदगियों को भी रीसेट करते हैं. नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई हैव आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सिंस अ फ्यू इयर्स, दैट इफ आई फाइंड समथिंग, अगर मैं कुछ अपने अंदर, अब जैसे being someone who enjoys to use my body with everything, and I've noticed recently ke
अपनी पर्सनल जिंदगी में भी मैं बहुत फिजिकल तरीके से अपने इमोशंस का इजहार करती हूँ. सो अगेन माई बॉडी इज रियली समथिंग दैट आई लव एक्सप्लोरिंग मोर विद. एंड व्हेन आई से न्यू वोकैबुलरी आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लीव और एक्सपीरियंस यू नो what is there, because it's so amazing to keep going on and on and on with what there already is. Again, it's kind of like meditation, you know, just staying in the moment and keep bringing yourself back, like that ant example that you give, you know, ki aap wapas us cheez ke andar aate hain. And you, again, repetitions is something, if you remember, I would hardly do in my movement or in my dance, repetitions, you know. And I'd keep just switching to the next thing. But again, that's something that I'm starting to enjoy working with. But at the same time, I want to know what more can my body do and how more can I really express and, you know, connect all these things for myself. And I wanted to also mention ye jo aap keh rahe the about the zaban. Jaise Kathak ya Bharatanatyam, in sari चीजों में अक्सर हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरीज आ जाती हैं बीच में, विच वी हार्डली डू इन पाकिस्तान, बट हिंदुस्तान में उस तरह करते हैं अक्सर. और उसमें जैसे काली माता का जब जिक्र आता है, दीज डांसर्स वेरी ब्यूटीफुली, यू नो, आई नो दैट्स ओनली वो काली की रेज दिखाने का ये एक एक्सप्रेशन है जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी करते हैं. But I'm saying that even if that's just one expression that they're showing, hum agar kar lein Pakistan mein, agar aap dekhein Pakistan mein aksar emphasis aa jata hai beauty pe ya glamour pe ya just not allowing it. Farah Yasmin Sheikh, if you've seen her performances, she also manages to, I find her to, there's this one scene that she does about the story that she did Jahara pe, aur usme ek battle scene aata hai, and at the end she's like, you know, she's really in that because she's just had a battle. So I'm just trying to make a simple point here that acceptance of even expression, that acceptance of this kind of an expression is something that is very difficult in Pakistan. It always has to be about flowers, it always has to be about sadness and longing and beauty, and aksar, you know, I find that I, however, try to go beyond that, you know, sometimes to also, for me, aesthetics and beauty are starting to change, you know, with time. What do you feel about that? Because since you made that point, I feel that, don't you feel okay. that the audience wants something particular? You also don't try to challenge it, right? We give them what they want. हाँ, तो एक तो अभी हम पर ये बात कर रहे हैं कि एक movement की aesthetics के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है. अच्छा, उससे पहले तुमने एक बात की in terms of your work. ठीक है. एंड और अपने काम को तुमने एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज यूज किया वो इमोशंस. ठीक है. एंड यस, यू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इमोशंस इन योर वर्क. But interestingly, हमारी जो जिंदगी है क्या उसमें इमोशंस तो एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है. There's so much more. Yeah. ठीक है. And if you also see, just like sit back, reflect in terms of your own emotions related to the life you live, and then you see your work. And where it was blocked, where it is just open up, where it's becoming so emotional. But so, अच्छा, ये आर्टिस्ट के साथ एक ब्लॉक भी है ना. आर्टिस्ट का काम बहुत ज्यादा इमोशनल उसमें फंस जाता है. ये एक और फंसने की एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बार बार इंसान, एक आर्टिस्ट को उसका काम मतलब मर जाता है, वो आर्टिस्ट भी मर जाता है वो, क्योंकि अपने इमोशंस के साथ और अपने काम में इतना फंस जाता है. It's all about emotions, that's it. ठीक है. और चाहे वो किसी भी bodily vocabulary को develop करके बताया जाए, but emotions are just one thing. Yeah. There's so much more in a एक जो इंसानी जात है, जो इंसानी जिंदगी है, उसमें तो बहुत कुछ है ना. But like artist के लिए that emotions है, हम तो artist ही नहीं होंगे अगर हमारे emotions नहीं होंगे ना.
और मेरा ख्याल है सोच इज अ लिटिल ओवररेटेड. देयर इज सो मच मोर इन ह्यूमन लाइफ. आपका बिहेवियर भी पूरा है विच इज नॉट इमोशनल. योर इंटेलेक्ट इज देयर विच इज नॉट इमोशनल. योर पॉलिटिकल सेल्फ इज देयर विच इज नॉट इमोशनल. एंड योर सोल इज देयर. ठीक है, मतलब देयर इज सो मच इन यू विच इज बियॉन्ड यू विच इज कंप्लीटली अननोन टू यू. Which is not just emotional. Well, I think I would disagree with that a little. Not with the point that you're making, but with the fact that all artists only do emotions. Because no, I'm not saying all artists do emotions. They all, they have bada-bada kaam kiya bhai. Bada-bada kaam kiya logon ne. Lekin wo ek thought hoti hai na, ki achha ji artists honge to emotional hote hai na. Mala ek but bahut mis like misconception come as come over here. अच्छा आप आर्टिस्ट टाइप लगते हैं, आप सेंसिटिव होंगे. हाँ हाँ. आई एम नॉट सेंसिटिव. आई कैन रिप यू अपार्ट. ठीक है. हाँ तो वो एक पूरे स्टीव टाइप किया जा नहीं जाता. तो बहुत सारे लोग उस चीज को ज्यादा ले भी लेते हैं ना. आई नो लाइक प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट. ठीक है, वो एक तो आर्टिस्ट के साथ एक और जो चीज होती है वो उसकी अपनी जर्नी ना. अच्छा ये बहुत अहम है. मतलब मैं बिल्कुल, क्योंकि आप ही हैं, आप ही अंदर बाहर आप ही हैं सब कुछ. लेकिन वो उसमें जो एक मेलो ड्रामा नहीं आता था तो वो थोड़ा सा उसमें फंस जा. ये वो चीजें होती हैं जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं. हम अपने इमोशंस में बहुत आसानी से फंस जाते हैं और उसको सब कुछ मान जाते हैं. हम अपने आप की जर्नी में बहुत आसानी से फंस जाते हैं और हम समझते हैं बस यही है. दैट्स माय पॉइंट. आज I completely agree with that, but I feel that you see, for example, एक तो चीज़ है emotions में फंसना और emotions को अपने art में डालना. But another thing is if you're trying to discover or if you're trying to work with textures or if you're trying to work with sensations or you know quality of a movement, just even as simple as that and not going into you know beyond. Other things, like you said, those are bigger things to explore, like behaviors and politics. Those are bigger things. I'm just saying, even the quality of the movement, you know, which again has, like, if I wanted to be like, as if I'm, again, like as if I'm honey, you know, I'm sticky and I'm thick, and so even if you just explore with that, I feel the honesty is lacking sometimes, no? And if you're talking about emotions, I understand that there is a lot of this thing about artists and emotions, but at the same time, which is good. No, of course it's good, but a lot of times it's pretentious too, isn't it? A lot of times it's just about being pretentious, and I don't find a lot of truth in it every time. And then how are you really, so if you are exploring with emotions, you must do it with a lot of truth, you know, and that doesn't mean that if I'm talking about sadness, I must look sad. And again, I think this kind of training is also coming from classical dance a lot, that it's very literal, everything that we do. Joy is joy, sadness is sadness, gussa is gussa. And so there's a lot of things in between that, you know. I agree with the point, but I'm saying that not even if people are doing that, they're not doing. मतलब बिल्कुल ये अब ये ना आप layers जब और खोलते हैं चलें मतलब अगर अगर if अगर गुस्सा is very important emotion for me and मैं उसपे काम कर रहा हूँ मुसलसल तो आप गुस्से को खोलें ना थोड़ा सा और. आप वो जो तुम बात कर रही हो ना कि गुस्से के भी तो अपने texture हो सकता है ना कोई. Exactly. गुस्से की अपनी एक पूरी characteristic हो सकती है. बिल्कुल. ठीक है, और हो सकता है वो गुस्सा स्टिलनेस में चला जाए. और अगर आम लाइफ में देखो, अगर स्पेशली यहाँ की लाइफ में, तो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ गुस्से में एक साइलेंस होती है, एक स्टेयर होता है, और बार बार उसमें बहुत सारे मैंने आई नोटिस इन पीपल लॉस्टनेस व्हेन दे आर एंग्री एक्चुअली. तो दे आर एक्चुअली फिर आप उन चीजों के ऊपर डिटेल में जाके और ऐसा नहीं है. बात सिर्फ ये कि अगर आप फंस गए हैं फंस गए. एग्जैक्टली. नहीं अगर आप फंस इंपॉर्टेंट टू चैलेंज
और मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इन चीजों में आपकी पर्सनल जिंदगी की कहानियां और आपके इमोशंस, ये इतने खतरनाक दो चीजें हैं कि आप बहुत आसानी से फंस सकते हैं। आप बजाय उसके कि उसमें कुछ और करें, नहीं आप दोबारा उसी गुस्से में आके, आप हमेशा रेज में परफॉर्म कर रहे होंगे, आप हमेशा मेलो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो रही होगी, आपका हमेशा बहुत ज्यादा बम्पी और इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही होगी, कुछ तो वो चीजें वो हो रही होती है बिकॉज एट द एंड इट कम्स फ्रॉम योर लाइफ। और आप इसीलिए आप फिर सीखते भी वही चीज है ना, वो जो वो मिसाल नहीं यूज होती है कि शकर खोले को शकर में, ठीक है, अगर मैंने अब कुछ यही चीज समझनी है कि जिससे मेरा दुख का इजहार हो सके, तो मैं हर वही फॉर्म देखूंगा, मैं शायद वो राग सीखना शुरू हो जाऊंगा जिसमें दुख ज्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें जा रहे होते हैं। एंड देन लाइक वो जो कुछ नया होना होता है ना, वह जरूरी जो है बना, जिसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हम कहते हैं कि स्टैग्नेंसी आ गई है, मर गई है, वो पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट में स्टैग्नेंसी आ जाती है। बाज़बार लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करते हैं बहुत बदबूदार हो गई, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में बदबू आने लगी, ठीक है, तो वो कुछ किसी भी मूवमेंट के लिए एक कॉन्स्टेंट न्यूनेस की जरूरत होती है कि वो चल सके। और बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट में जब वो न्यूनेस नहीं रहती तो वो बड़ी ठप हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, और वो मुंजमद होती हैं कहीं रुकी, और उसमें वो चीज नहीं आ सकती। और एंड यस इन टर्म्स ऑफ वो जो हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे, एक तो हमारा अगेन एस्थेटिक्स की जो नॉलेज है वो हमें मिली है, ठीक है, कि एक शख्स ने ऐसे ही होना है तो वो ऐसे, ठीक है, नाउ वी हैव दिस एस्थेटिक्स ऑफ शाहरुख खान, ठीक है, तो उसने एक एस्थेटिक्स, बट लाइक यस नवाज सिद्दीकी केम एंड नवाज सिद्दीकी एक्चुअली चैलेंज एंड ब्रेक द एस्थेटिक्स ऑफ अ लीड कैरेक्टर, ठीक है, आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल। सो हमारे पास पाकिस्तान में रक्स की एस्थेटिक्स बहुत लिमिटेड हैं और वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं बस, क्योंकि हमारे पास रक्स बहुत वो हुआ। अगर हमारे पास ड्रामे की एस्थेटिक्स देखो तो उसकी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली एक जर्नी मौजूद है, बड़ी रिचनेस मौजूद है, आपको उस पर वैरायटी मिल जाएगी। हमारे पास म्यूजिक में आपको और भी ज्यादा वो चीज एस्थेटिकली उसकी वेरिएशंस और एक्सपेरिमेंट्स आपको मिलते हैं, नजर आते हैं, क्योंकि काम है उसमें ना, या विजुअल आर्ट का है या जो भी चीजें हैं। तो जो अब जो हमारी मूवमेंट की वो है, हम मूवमेंट वाइज अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए बात करूं तो हमारी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, जो कि एक पूरा बहुत पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रीजंस हैं उसके पीछे, ठीक है, जिसने हमें महदूद कर दिया, बांध दिया है, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग, मुझे उसका अंग्रेजी लफ्ज नहीं पता, लेकिन वो दौलत शाह के चूहे कहलाते हैं, क्योंकि बचपन में, हाँ, मुझे भी अंग्रेजी लफ्ज नहीं याद, but I remember, I know what you're talking about. तो हमें एज अ होल हमें वो किया गया है, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा, अब उससे निकल के आना कुछ आसान तो है नहीं, और फिर जब निकल के आएंगे तो कुछ एस्थेटिक्स इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली, एस्थेटिक्स बनती हैं, मतलब ये यूं करके कभी नहीं होती कि ये एस्थेटिक्स बन गई थी, देखा मैंने उस दिन ये काम किया था तो मैंने तो हाथ ऐसे करके घुमाया था, तो देखो ना कितना जबरदस्त, नहीं भाई, अब वो ऐसे करके घुमा के तो लोग कहेंगे कि कुछ अजीब सा हुआ, कुछ बुरा हुआ है या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि कुछ अजीब सा हुआ है जो हमें पता नहीं अभी। अब उसकी अवेयरनेस सोसाइटी में रहेगी तो वो उनको एस्थेटिकली रजिस्टर होना शुरू, मतलब एक पूरा प्रोसेस है द वे फिर एस्थेटिक्स के हवाले से उसकी अपनी थ्योरीज मौजूद हैं कि वो किसी का रेज में चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ना अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता, किसने कैसे बिगाड़े, किसने कैसे नहीं बिगाड़े। अब
अगेन वी लाइक हमारे पास क्योंकि जो एक्सेप्टेंस आती है वो बहुत ग्लैमर बेस्ड भी आती है, तो उसको ब्रेक करना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास जो इमेजरी है खूबसूरती की वो हमारी आम खूबसूरती नहीं है. और जिस तरह वो नहीं है, मतलब दुनिया ने वो जो जीरो फिगर ब्यूटी कॉन्सेप्ट के साथ वो पूरा एक ट्रॉमा दुनिया ने बर्दाश्त किया और जिसके ऊपर इतनी बहस और मुबाइसे भी हुई कि ये पूरा जो ब्यूटी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है दिस इज सो अनरेयर एक्चुअली, एंड इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स द पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है. और फिर हर कल्चर के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं. तो हाँ वो कुछ लोग कर जाते हैं. अब वो कुछ अब उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वो जो आर्टिस्ट जो कि मूवमेंट के जरिए परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ी प्रिविलेज भी होती है ना, हर कोई तो नहीं कर सकता. ठीक है, और मतलब मैं करने को तैयार हूँ लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि मैं कर सकूं. ठीक है, तो जब हमारा ऐसा, और मैं बिल्कुल ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, मैं ये कहूंगा दुनिया में भी, दुनिया में मतलब आर्ट के लिए तो रिसोर्सेस कम है. आर्ट में भी अगर आप देखें, डांस एंड थिएटर में रिसोर्सेस कम है, म्यूजिक में ज्यादा रिसोर्सेस है और इनमें कम मिलते हैं. तो फिर वो बहुत कुछ नया बनाने वाले जो लोग, मतलब फिर भी इतना बना लेते हैं, मतलब जबरदस्त बात है, और कमाल कमाल के काम बना लेते हैं लोग, और बिल्कुल नए लोग बड़ा जबरदस्त काम बना लेते हैं. और मतलब लाइक द अमाउंट ऑफ डांस आई हैव सीन इन पाकिस्तान इज अमेजिंग. Yeah. And the thing is that like they are completely unknown people, those who are dancing here and there. ठीक है, अब वो अब लास्ट मैंने जो एक सबसे जबरदस्त डांस देखा वो एक बच्ची थी फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान. और उस लाइक वो मैं देख रहा था उस वक्त, मैं था, निगर, बासला, हम सब लोग साथ देखते थे, एंड वी ऑल लाइक जॉ ड्रॉप. और उसका एक्सप्रेशन, उसका सब कुछ, लाइक वो वी डिस्कस दैट मूवमेंट आल्सो, कि वो इतनी मखसूस एक मूवमेंट थी कि वो कमाल कर दे रही थी जो हमने देखी उधर बैठ के. और तो हाँ, इस तरह मूवमेंट होते हैं, उनके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, वो कहाँ से बन के कैसे आए हैं. और कैसे अडेप्ट करते हैं लोग उससे, कुछ और बनाते हैं और फिर उससे कोई अपनी परफॉर्मेंस बना के उसका इजहार भी करते हैं. तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है. एब्सोल्युटली. और आई थिंक ये जो एक चीज है कि पाकिस्तान की डांसर कम्युनिटी छोटी सी है, उसमें फिर वही बात आ जाती है कि कौन उस लेवल तक, और बात यह कि सब उस लेवल तक हम पहुंचते भी नहीं है. अभी एक चीज शुरू होती है और स्टार बना दिया जाता है फॉरन इतने सारे इंटरव्यूज, और आई थिंक उस चीज में भी हम फंसते हैं एज आर्टिस्ट, नहीं कि हम फिर मौका ही नहीं मिलता कि हम उस सच्चाई के साथ. बट इस तरह से अगर हम किसी की मूवमेंट देखते हैं, एंड आई थिंक वो लोग अपनी, क्योंकि उनके अंदर वो जजमेंट नहीं होगी ना कि हमें जज किया जाएगा कि हम ऐसे हों, हम उस, वो हमारे उस्ताद हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं. सो या मेरे ख्याल में बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है कि रिसोर्सेस का होना. And resources is money, resources is time, resources is facilities, resources is capabilities and abilities also. काम करने की वो होना बहुत जरूरी. ठीक है, मतलब like a resource के less we make just one move, but can we have 100 लोग आए जो कि एक हफ्ते रिहर्सल कर लिया, वो सिर्फ एक मूव कर दिया उन्होंने ये. अगर मैं ये तजर्बा करना चाह रहा हूँ तो ये हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता. ओके. तो उस वो जो है ना कि उस चीज को आगे फैलाना, लोगों तक लेके जाना, कि वो फिर कोई कहे कि अच्छा ऐसा नहीं, कुछ और भी हो सकता. My last question from you would be, आपने जो इतने इतने अरसे से आप
अलग अलग अपने एक्सप्रेशंस, वेज ऑफ एक्सप्रेशंस ढूंढते हैं, वेदर इट्स थ्रू योर बॉडी, वेदर इट्स थ्रू विजुअल आर्ट, वेदर इट्स थ्रू फिल्म राइटिंग, नो एनीथिंग दैट यू डू. What are the things that you have explored or anything? I'm sure there's a lot, but recently perhaps, or something that's ongoing for you. Don't know, something that you've... What I explored? Yeah. In terms of my body? No, anything. Through all these ways of... it's like, you know, I will be 50 years old just after a few days. Mm-hmm. So I explored my 50 years. I would say this. Yeah. And then I explored me with each and every thing of mine. Or with all your ups and downs, with all your... I think it's also like, for me, all these mediums or forms are... whichever dance ho, theater ho, photography ho, painting ho, public art ho, performance art ho, music ke alawa. Lekin ab to main drums bhi bajana shuru ho gaya. Wow. I do rhythm circles na. Oh, nice. And I do with kids and matlab bahut sare logo ke saath. So, but lekin still I don't think music is my forte, no. Aur I think this, all these are just storytelling for me. And I would say storytelling for me is not just storytelling, it's also story making. So I build stories around it. There are stories, there are relations which is keep coming and going in different ways. And yes, emotions. मैं भी अपने काम में देखूं तो बहुत मुसलसल एक हिस्सा होता है और बहुत आसानी से मैं उसके ट्रैप में आ जाता हूँ. मुझे निकलना पड़ता है कि नहीं भैया क्या, और लाइक बहुत नहीं हो गया तो ओवरडू हो गया. हाँ, I do a lot of overdo of emotions in my life. And when I explored, yeah, but बार बार इसका वो एक ही जवाब है कि मैं कौन हूँ. I just find myself. I find myself from no one to me. And actually my journey is now from me to no one. So yeah. It's more like that. It's very beautiful. And lekin bahut mazey ki jo abhi recent timing mein jo cheez hai na, like my body has now extreme limitations. Okay, extreme limitations because like I have arthritis. Okay, so I have like mere physical body ailments hain jiski wajah se mujhe bahut serious issues hain. Ke main move वैसे कर सकता हूँ या नहीं, and the age is also number, ठीक है, and but I am more excited to do things. Yeah. मतलब ये के especially वो मतलब कभी कभार जब भी मैं डांस किया, अब डांस में तो आपका जिस्म एक खूबसूरत जिस्म होना चाहिए ना, so yes I have. ना तो नहीं चाहिए. नहीं एक अमूमन knowledge. Exactly, हाँ. I dance with Amna, I dance with Nikhar. ठीक है, लाइक अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस की है. आई डांस विद वहा, सो लाइक सबके साथ तो नाचा हुआ हूँ. सो और विद लाइक यस आई एम कमिंग फ्रॉम अ नॉन डांसर कंप्लीटली, बट यस बिकॉज माय बॉडी इज अ परफॉर्मिंग बॉडी, सो वो चीज बड़े मजे से जुड़ जाती है. कैसे जुड़ती है ये मुझे नहीं मालूम, बट लेकिन है. और मूवमेंट में मुसलसल जर्नी है, और उस जर्नी के लिए
खून पसीना बहाना पड़ता है, चाहे वो डांस की हो, किसी आर्ट फॉर्म के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, चाहे वो जिंदगी की हो. हाँ, if one person or a collective not ready for it, तो वो stagnant हो जाती है, वो बदबूदार हो जाती है, वो अपनी aesthetics भी lose करता है. Thank you for listening to the podcast When We Move. Stay updated for more interesting conversations coming up with a different guest every Friday. To watch or hear previous episodes, click on the link given in the description. Stay safe and keep moving.